हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको यूपी के शिक्षा मित्र अनुदेशकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की संविदा अवधि में बदलाव किया गया है। दोनों की सेवाएं अब 16 जून से अगले वर्ष 31 मई तक प्रभावी रहेंगी। दिसंबर से जनवरी माह में होने वाले शीतकालीन अवकाश दोनों की सेवाओं में नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक 11 माह कार्यरत रहेंगे और इतने ही महीनों का मानदेय उन्हें दिया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तय है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में बदलाव किया गया। साथ ही शीतकालीन अवकाश भी शुरू हुआ है। इसकी वजह से शासन ने शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की संविदा अवधि बदल दिया है। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव आर के सिंह ने आदेश में कहा है कि अब दोनों की सेवाएं 16 जून से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। निर्देश के मुताबिक शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की सेवाओं में शीतकाल अवकाश की गणना ना की जाए। ज्ञात हो कि पहले शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की सेवाएं 1 जुलाई से 31 मई तक रहती थी। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 अनुदेशकों की तैनाती है। विशेष सचिव का यह भी निर्देश दिया गया है कि हर शैक्षिक सत्र के दौरान शिक्षा मित्र का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यपरक आपत्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं। बीएसए सभी प्रस्ताव को 5 जून तक जिलाधिकारी के समक्ष रख चुके हैं और यदि डीएम संतुष्ट हो जाए कि शिक्षा मित्र ने कर्तव्य निभाने में शिथिलता बरती है तो उसे शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, अन्यथा 16 जून से सभी शिक्षा मित्रों का स्वतः नवीनीकरण शुरू हो चुका है। विभाग को हर हाल में ये निर्णय करना होगा कि कौन से शिक्षा मित्र अच्छे हैं, कौन से शिक्षा मित्र खराब। इसी तरह से अंशकालिक अनुदेशकों की नवीनीकरण की कार्यवाही हर वर्ष संविदा खत्म होने के 1 माह पहले जरूर शुरू कर दी जाए। 31 मई तक अनुदेशकों का नवीनीकरण न होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जवाबदेह होंगे और संबंधित अनुदेशक का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। 31 मई से 15 जून के बीच अनुबंध पूरा कराना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, यूपी के शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की संविदा अवधि में बड़ा बदलाव ये किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र और 30,000 अनुदेशकों की जो संविदा अवधि है उसे बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगा